The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aadhshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. इसके बाद में next type of migration हम देखते हैं, that is rural, urban migration. Rural urban migration क्या होता है? Rural urban migration में बेटा जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो अर्बन में शिफ्ट हो जाते हैं, और इसी ट्रेंड से एक होता है अर्बनाइजेशन. ठीक है, तो इसको हम बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. बस आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके का जो वो होता है इंटरनल माइग्रेशन. इंटरनल माइग्रेशन में चार तरीके के माइग्रेशन होते हैं. पहला होता है रूरल अर्बन माइग्रेशन, दूसरा होता है रूरल रूरल माइग्रेशन, दूसरा होता है रूरल रूरल माइग्रेशन, यानी कि जब एक इंसान एक विलेज से दूसरे विलेज में शिफ्ट करता है, दैट इज रूरल रूरल माइग्रेशन. इसके बाद में आता है अर्बन से रूरल माइग्रेशन. कुछ लोग शहर से गांव की तरफ जाते हैं, एक माइग्रेशन ये है. एंड लास्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा. सबसे पहला जो माइग्रेशन है दैट इज रूरल अर्बन माइग्रेशन, जिससे रूरल के लोग अर्बन में आते हैं और इससे अर्बनाइजेशन का जन्म होता है. फिर है रूरल रूरल माइग्रेशन, अर्बन रूरल माइग्रेशन, अर्बन अर्बन माइग्रेशन. आई होप इतना समझ में आ गया होगा. ठीक, उसके बाद में आता है एक माइग्रेशन फोर्स्ड माइग्रेशन और एक होता है इनवॉलेंट्री माइग्रेशन. ठीक, फोर्स और इनवॉलेंट्री माइग्रेशन. अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैम किसी को माइग्रेट करने के लिए कौन फोर्स कर सकता है, कोई किसी को ज़बरदस्ती घर से निकाल के थोड़ी ना मंगा सकता है. लेकिन ऐसा होता है, जैसे कि कई बार लेट्स से डैम बना, किसी भी रिवर पे जब डैम बनता है, लेट्स से ये एक रिवर है, इस पे अगर हम एक डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जब हम डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो नियर बाई एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें फ्लड आ जाती है. यानी कि जो अगर हम यहाँ पे लेट्स से ये एक रिवर है, यहाँ पे अगर हम डैम लगा रहे हैं और यहाँ पे हम पानी का फ्लो रोक रहे हैं, तो ये वाला पानी कहीं तो जाएगा ना. तो जो साइड वाले एरियाज होते हैं, जो साइड वाले विलेजेस होते हैं, वो क्या होते हैं, जनरली फ्लडेड हो जाते हैं. तो हम जब भी कोई डैम बनाते हैं तो हमको वो एरियाज वैकेंट करने होते हैं, और जब वैकेंट करने होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं. तो ये देखिए, कोई भी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता है, तो जब आप डैम बना रहे हैं तो आपको लोगों को रिहैबिलिटेट तो करना पड़ेगा, रिहैबिलिटेशन आपको करना पड़ता है उस कंडीशन में. ठीक, उसके बाद में ये हो गया फोर्स्ड और इनवॉलेंट्री. तीसरा तरीके का जो आप ये मान सकते हैं, आई डोंट नो नंबर क्या है, वो इतने सारे माइग्रेशंस बता दिए मैंने. इसके बाद में एक जो माइग्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा अभी देखने के लिए मिलता है, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में हम उसको समझ सकते हैं, दैट इज इम्पेल्ड माइग्रेशन. ठीक, इम्पेल्ड माइग्रेशन क्या है कि कहीं पे लेट्स से वॉर हो गया, कोई भी क्राइसिस हो गया, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, लोग जो है माइग्रेट करने की टेंडेंसी रखते हैं. जैसे कि मैंने आपको 5 ईयर प्लान पढ़ाया था, अगर आपने 5 ईयर प्लान बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आपको याद होगा, देखिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कि 1971 वॉर में क्या हुआ था, जब इंडिया बांग्लादेश का वॉर हुआ था तो बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए थे. तो वो भी तो एक तरीके का माइग्रेशन है, लेकिन क्या ये विलिंग माइग्रेशन है, क्या लोग जानबूझ के कर रहे हैं? तो आंसर वुड बी नो, दिस इज नॉट विलिंग माइग्रेशन. पीपल आर जस्ट डूइंग इट, पीपल आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज दे वॉन्ट टू डू इट. इसमें कोई ऐसा कोई उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है. उनको लगता है कि उस टाइम पे इंडिया में उनकी लाइफ सेफ है, इंडिया में दे कैन हैव ए स्टेबल लाइफ, इंडिया में दे कैन हैव द बेटर एक्सेस टू डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, दैट्स व्हाई दे मूव टू द इंडिया. That's it. It's as simple as that. ठीक है, कई बार क्या होता है कि हंगर की वजह से लोग आ जाते हैं, कि लेट्स से किसी भी कंट्री में सिविल वॉर हो रहा है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में सिविल वॉर चलता रहता है. तो अभी सोमालिया में बहुत ज़्यादा आपका हंगर है, बहुत ज़्यादा ड्रोट है.
यानी कि सोमालिया में मतलब लिटरली लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रॉट हंगर बहुत है सोमालिया में। तो व्हाट हैपेंड इन अंडर दैट सिचुएशन बेटा, कि जो सोमालिया है ना उससे लोग जो उसकी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है अफ्रीका में, जो ईस्ट जो सेंट्रल अफ्रीका है, सोमालिया क्या है बिल्कुल कॉर्नर पे है ठीक। यहाँ पे सोमालिया है ठीक। तो अब जब यहाँ पे लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो वो आसपास के नेबरिंग विलेजेस में ही जाएंगे ना, नेबरिंग स्टेट में ही जाएंगे। तो ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है किसी भी विलेज में, लेट्स से सूरत में बहुत बड़ा प्लेग फैला था सूरत में इंडिया में एक बार में, तो लोग आसपास के गाँव में चले जाते हैं अपना घर छोड़ के। तो ये इम्पेल्ड माइग्रेशन है। इसके बाद में जो एक तरीके का माइग्रेशन है बेटा, दैट इज सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन में क्या है कि लोग एक सीजन में माइग्रेट करते हैं फिर दूसरे सीजन में घर चले जाते हैं। जैसे कि जैसे जितने भी लेबर होते हैं, जो दिल्ली के लेबर्स हैं या दिल्ली में जो लेबर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं या कोई भी और मैनुअल लेबर वर्क करते हैं ठीक है, तो इनका आप स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए। ये एक विलेज में रहते हैं, विलेज में इनके पास कुछ एक फार्म होता है ठीक है, ये खेती भी करते हैं। तो क्या करते हैं कि वहाँ पे जब खेती में ये सोइंग के टाइम पर जाते हैं और हार्वेस्टिंग के टाइम पे जाते हैं ठीक है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी एक किसान है जो लेट्स से बिहार में रहता है, बिहार के लोग कहेंगे कि कितना हमको क्रिटिसाइज किया है, पर ठीक है बिहार इज़ अ वंडरफुल स्टेट। तो जो बिहार का एक लेट्स से एक रेगुलर लेबरर है और इसके पास थोड़ी सी जमीन भी है ठीक, तो इसका जो मेल मेंबर है वो क्या करता है कि जब उसमें हम बीज बोने वाले होते हैं ना, जब हम सोइंग करने वाले होते हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ मिलके पूरा उसमें जो है सोइंग करता है। क्या बोलते हैं उस एक पर्टिकुलर चीज़ को, बीज लगाना, बीज लगाता है प्रॉपर, उसको हल चला के प्लफिंग करके सारा कुछ करके उस पर उसने बीज लगा दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब उसने बीज लगा दिया, लेकिन अब देखिए हार्वेस्टिंग तो आज नहीं हो जाएगी, अगर हम आज उसमें बीज लगाएंगे तो कम से कम 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तभी तो जाके 3-4 महीने बाद हमारे फसल आएगी। तो उस 3-4 महीने के तक क्या करते हैं बेटा, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आ जाते हैं सिटी में, किसी भी मेट्रो सिटी में आ जाते हैं और वहाँ पे लेबर का काम करते हैं। और जब वहाँ पे पता चलता है, पीछे से इनकी फैमिली उन जो फसल होती है उनका ध्यान रखती है, उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वो सब उनकी फैमिली लगाती है। और जब उस फसल को कटने का टाइम होता है तो ये फिर से वापस आ जाते हैं अपनी फसल को काटने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि इनके खुद के खेत नहीं होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, उनके खेत पर कटाई करने के लिए जाते हैं। क्योंकि देखिए इनको ये लगता है कि जितने पैसे हम यहाँ पे कमा रहे हैं उतने ही पैसे हम वहाँ पे कमा लेंगे और थोड़ा टाइम हम अपनी फैमिली के साथ भी रह लेंगे। तो अभी जो एक रिसेंट रेलवे जो एक्सीडेंट हुआ है उड़ीसा में, जो बालासर में हुआ है, दैट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे कि मोस्टली उसमें माइग्रेंट वर्कर्स थे, दे वेंट आउट फॉर अ वर्क, चेन्नई में काम के लिए गए हुए थे, बैंगलोर में काम करने के लिए गए हुए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ये माइग्रेशन करते हैं और ये सीजनल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है कि आपका जब फसल का काटने का टाइम आएगा तो ये लोग आ जाएंगे, फसल को बोने का टाइम आएगा तो ये लोग आ जाएंगे ठीक है। तो एक इस तरीके के जो माइग्रेशन होते हैं जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, उनको हम बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। इसके बाद में बेटा एक तरीके का माइग्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं, एक माइग्रेशन हमारा होता है रिटर्न माइग्रेशन, रिटर्न माइग्रेशन। रिटर्न माइग्रेशन से क्या मतलब है आपका, जैसे नाम से ही पता चल रहा है रिटर्न, रिटर्न माइग्रेशन का क्या मतलब है, कुछ जो लोग होते हैं, लेट्स से ये एक इंसान है, ये सिटी में गया, इसका पर्पस है कि इसको सिटी में जाके इतना पैसा कमाना है कि ये गांव में जब वापस आए ना तो अपना एक बिजनेस सेटअप कर पाए। तो जब वो बंदा सिटी में गया, लेट्स से इसने सिटी में 35,000 रुपीज़ पर मंथ कमाए ठीक, 35,000 रुपीज़ जब उसने पर मंथ कमाए तो उसमें से उसने 10,000 रुपये का खर्चा किया और 25,000 उसने अपने बचाए।
तो अगर उसने 25,000 ऑन एन एवरेज एक महीने में बचाए, तो आप ये लगा के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 12 महीने में उसके कितने होंगे, 3 लाख के आसपास पैसे होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर का भी खर्चा हो जाता है। ठीक, 25,000 × 12 तो कितना हुआ, 3 लाख। 3 लाख उसने एक साल में बचाए। अगर ये बंदा 10 साल तक ऐसे ही काम करता रहे, 15 साल तक ऐसे ही काम करता रहे, तो ये 30 लाख to 40 लाख अपना सेव कर लेता है, और 30 लाख to 40 लाख सेव करके ये अपने गांव में वापस जाता है और वहीं पे बिजनेस करता है। इसीलिए आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारी सोसाइटी में कि जो यूथ था वो बाहर गया, 10-15 साल उन्होंने काम किया, फिर वो वापस आके इंडिया में रह गए, 15-20 साल उन्होंने काम किया, क्योंकि अब उनके पास इतनी सेविंग्स हो गई हैं कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये जो बात अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, अगर US कोई जा रहा है या जर्मनी कोई जा रहा है, तो उनको एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, उनको एक्सपोजर इतना मिल जाता है कि व्हेन दे कम बैक टू इंडिया दे गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनको बहुत ज़्यादा पे चेक मिलता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिटर्न माइग्रेशन। उसके बाद में है हमारा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म माइग्रेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई भी चीज नहीं है। शॉर्ट टर्म माइग्रेशन क्यों होता है, शॉर्ट टर्म माइग्रेशन किस लिए होता है बेटा? शॉर्ट टर्म माइग्रेशन होगा जब आप बहुत कम टाइम के लिए जाएंगे। जैसे कि इसका सबसे ज्यादा जो प्रीवलेंट एग्जांपल है, दैट इज मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है बेटा, अगर आपको कोई भी बीमारी हुई है तो आप अपने इमीडिएट स्टेट में जाना पसंद करते हैं, आप अपने इमीडिएट डिफरेंट स्टेट में जाना पसंद करते हैं। जैसे कि लेट्स से अगर यूपी के किसी इंसान को कैंसर हो जाए या बिहार के किसी इंसान को कैंसर हो जाए, कोई भी हार्ट डिजीज है, तो दे वुड प्रेफर टू गो टू द एम्स। अब एम्स में अगर उनका एक साल का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो एक साल फिर वहीं रहते हैं। ऐसा मेडिकल टूरिज्म विद इन द कंट्री भी बहुत होता है। जैसे कि अगर आपको किडनी रिप्लेस करना है, किडनी में आपको इश्यूज हैं, तो यू गो टू द वेलोर। लीवर आपको इम्प्लांट कराना है, यू गो टू वेलोर एंड दीज स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स में आप जाना प्रेफर करते हैं, या फिर एम्स में आप जाना प्रेफर करते हैं। तो आप एक हायर, जब एक बेटर मेडिकल फैसिलिटीज को देखते हैं तो यू प्रेफर टू स्टे देयर। अच्छा, अब इंडिया का कोई बंदा, यूपी का कोई बंदा एम्स में ट्रीटमेंट करा रहा है, तो ही हैज़ एन ऑप्शन टू गो आउट यू नो फ्रीक्वेंटली। वो वीकेंड पे जा सकते हैं घर अपने, और पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन मेडिकल टूरिज्म एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ के भी लोग आते हैं। जैसे कि लेट्स से बांग्लादेश है, बांग्लादेश बहुत बहुत ज़्यादा लोग जो बीमार होते हैं बांग्लादेश में, वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में लोग इंडिया में आते हैं। ठीक, तो इंडिया में जो मेडिकल टूरिज्म रिसीव करता है, उसकी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बांग्लादेश की होती है। पाकिस्तान के भी लोग आते हैं, भूटान के भी लोग आते हैं, नेपाल के भी लोग आते हैं। तो जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें आसपास अगर आप देखेंगे तो या तो इंडिया है या चाइना है। ठीक है, अब चाइना इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री है कंपेरेटिवली, तो इंडिया इतनी एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है। इंडिया में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें बहुत इजीली बहुत अच्छा आपका ट्रीटमेंट होने के लिए आपको मिल जाता है बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट पे। तो बहुत ज़्यादा मेडिकल टूरिज्म होता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म, कि टूरिज्म तो हमारा बढ़ रहा है लेकिन उसका रीज़न क्या है, मेडिकल रीज़न है। आप देखिए, कोई भी इंसान है, कोई कैंसर का ट्रीटमेंट कराने आया है, ठीक है, लेट्स से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है एम्स में, और अब जब कोई भी बाहर की कंट्री से आता है ना, तो वो फिर ऐसे नहीं करते कि अब आए, एक कीमोथेरेपी का सेशन लिया और फिर वापस चले गए, क्योंकि हर बार वो वीजा बनवाना, वो जो प्रोसीजर्स हैं, उनका जो कॉम्प्लियंस है, दैट टेक्स अ टोल ऑन देम। सो व्हाट इंस्टेड दे डू, व्हाट दे डू बेटा, इंस्टेड दे जस्ट बुक इन वीजा फॉर अ ईयर कि हमको ये बीमारी है और हम अब एक साल में आएंगे। तो विद इन ए ईयर क्या करते हैं वो यहाँ पे आके बांग्लादेश में, बांग्लादेश से लोग इंडिया में, वो घूमते ही हैं। ठीक है, तो अगर वो इनडायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट ना करें तो भी मतलब हो जाता है कि आप कहीं पर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप एक्सप्लोर कर ही लेते हैं चीज़ों को। तो मेडिकल टूरिज्म हो जाता है डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। लॉन्ग टर्म में क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म में देखिए इसके दो कॉम्पोनेंट हैं। लेट्स से कोई इंसान इंडिया से जर्मनी गया, ठीक है, जर्मनी वो गया एक साल का डिप्लोमा करने के लिए,
एक साल का डिप्लोमा जब आप करने के लिए गए और आप उस साल उसको डिप्लोमा करके एक साल में वापस आ गए, तो वो है शॉर्ट टर्म माइग्रेशन। लेकिन आपने एक साल का डिप्लोमा किया और फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब आप जर्मनी में ही रहेंगे, वहीं पे काम करेंगे और वहीं की लड़की से शादी करके, वहीं के लड़के से शादी करके सेटल हो जाएंगे। तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म माइग्रेशन, कि आपका नियर फ्यूचर में वापस इंडिया आने का कोई प्लान नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एजुकेशन पर्पज से जाते हैं, मोस्टली ऑफ देम जो है, मोस्ट ऑफ देम स्टे बैक्स। बहुत सारे जो पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो स्टे बैक कर जाते हैं, ओनली फ्यू ऑफ देम कम बैक टू द कंट्री। थोड़ी सी डिटेल हमको, बहुत थोड़ी सी डिटेल हमको देखनी है। किसकी देखनी है? वो थोड़ी सी डिटेल हमको रूरल टू रूरल माइग्रेशन की। ठीक है, इसमें जो मोस्टली माइग्रेट करती हैं वो विमेन करती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मैरिजेस। क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसमें विलेज एक्सोजेमी जो है उसको फॉलो किया जाता है। विलेज एक्सोजेमी से क्या मतलब है कि आपको अपने गांव से बाहर ही शादी करनी है, आप एक गांव में शादी नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि एक गांव में जितने भी लड़कियां हैं वो सब हमारी बहन है, मतलब कहते हैं ना कि गांव की बहन बेटियां। तो आप अपने ही गांव में शादी नहीं कर सकते हैं, शादी करने के लिए आपको दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। इसके वजह से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुआ 1961 के बाद। 1961 से पहले इतना माइग्रेशन इसमें नहीं होता था और फीमेल बहुत ज़्यादा करती हैं इसमें, और जो इसमें मोर देन 46% जो है वो मैरिजेस की वजह से होता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।